बापू मेरा पापा है, बापू बापू मेरा पापा है। अंधविश्वास की अंधी गलियों से गुजर कर ना जाने कितने लोग अपनी किस्मत को संवारने के लिए आसाराम के पास जाते रहे, बाबा का प्रवचन सुना, लेकिन भक्तों को क्या मालूम था कि राम राम का जाप करते वक्त बाबा की निगाहें क्या ढूंढती हैं, उनके मन में कौन सी हलचल होती है, क्यों उनका दिल उनकी जुबान का साथ नहीं दे पाता। इस आसाराम को आपने भक्ति की गंगा बहाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन इनका एक परिचय ये भी है कि चंदा के नाम पर अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कुंडली मार कर बैठे हैं। हत्या और फर्जीवाड़े को तो ये प्रभु का इनाम मानते हैं और भक्तों की लाई डिटेक्टर टेस्ट को प्रभु का प्रसाद। कल तक यही सत्य था, लेकिन आज सनातन सत्य को भी बाबा ने पलट दिया है। बताते हुए शर्म आती है, लेकिन बाबा जब बेशर्म बन गए तो दोस्ताना तो बनना ही था। लड़कियों के साथ संबंध बनाना तो ठीक, लेकिन लड़कों के साथ, हाय रे बाबा क्या किया आपने। अब 11 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज आसाराम अभियुक्त की जमानत पर बहस हुई। ये तीसरी दफे बहस राम जेठमलानी द्वारा की गई और विस्तृत जानकारी के साथ हमने और हमारे जो पूरी पुलिस विभाग की जो चंचल मिश्रा है और सभी लोगों ने इसका पूरे जोर विरोध किया और कुल मिला के जितने भी पॉइंट्स राम जेठमलानी जी द्वारा उठाए गए थे उसको नकारते हुए माननीय उच्च न्यायालय में निर्मलजीत कौर जी ने और उस जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर कमाल का नृत्य करते हैं आसाराम और उस पर ताली भी पिटवाते हैं। ऐसा ठुमका लगाते हैं कि सामने वाला गश खा जाए। हाँ, इस नृत्य में इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि सामने वाला का ध्यान ना भटके। अरे आसाराम जी, इतना तो बता देते कि गर्लफ्रेंड बनाते बनाते बॉयफ्रेंड क्यों बनाना पड़ गया। माफी और आत्मज्ञान की शेखियां बगाड़ने वाले बाबा को बच्चों के साथ दोस्ताना बनाने में अपनी मुक्ति का मार्ग नजर आ रहा है। बनानी सीनियर काउंसिल है, लेकिन लॉ इज द किंग ऑफ किंग, तो कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज सब दोनों पक्षों की बहस हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से हमने दलील रखी, स्टेट की तरफ से माँ अधिवक्ता श्री आनंद जी कोहित साहब ने दलील रखी और ऑनरेबल कोर्ट ने जो पूरी केस डायरी का अवलोकन करने के बाद में इस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का जो आदेश अभी प्रोनाउंस किया। संतों का चोला ओढ़ आसाराम जो बातें किया करते थे उसे सुनती तो पूरी दुनिया थी, लेकिन समझते सिर्फ साधक थे, क्योंकि ये बातचीत उस बेशर्म कोर्ट पर टिकी होती थी जिसके सहारे आसाराम लड़कियों का शिकार किया करता था। अब आसाराम के पुराने राजदार हों या जोधपुर की पुलिस, एक एक करके सच सबके सामने आता जा रहा है। अरे भैया, इनकी माया अनंत है, बड़ी दूर की सोचते हैं। जितने दाग लग रहे हैं उतने ही महान होते जा रहे हैं। कल तक लड़कियों को लेकर आकर्षण था, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन स्वयं लगा वो संत ही क्या जो ईश्वर होने का भ्रम न पैदा करे। अब लेंस लेकर आसाराम में श्री कृष्ण की छवि देखते रहिए। कहते हैं भगवान अपने भक्तों में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन खुद को भगवान का अवतार बताने वाले आसाराम न सिर्फ अपने भक्तों में फर्क किया करते थे, बल्कि उनकी हैसियत के मुताबिक उन्हें प्रसाद दिया करते थे। यानी जितनी बढ़िया दक्षिणा उतना बढ़िया प्रसाद, और दक्षिणा अगर सूरत और समर्पण की हो तो प्रसाद के क्या कहने। सारे सर्वनामों और विशेषणों के अमृत को आसाराम की आतंक के देवताओं ने तेजाब बना दिया है। एक बूंद भी कहीं पड़ जाए तो जिंदगी भर का नाश कर देता है। यहाँ तो पूरा कलश उधेड़ रखा है आसाराम ने। कोर्ट में जो सरकारी वकील ने आसाराम का सच बताया है वो सारी कहानी को सभ्यता के पाताल में घसीट ले जाता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस वाक्य को पूरा करने में शब्दकोश कम पड़ जाए। 72 साल के बुजुर्ग की इस लीला पर
आज आसमान भी शर्मिंदा है। आप बोल उठेंगे, कह दो कि ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आसाराम उसी का नाम है जो झूठ को भी सच कर दे। मम्मी दीवानी कैसे हो गए? बापू को क्यों प्यार करती है मम्मी? Why your mommy love to Bapu? Why my mommy love Bapu? My mommy, she just love Bapu. She love Bapu very much. I don't know why she loves Bapu. प्रभु के पुत्र के पाले हुए प्रेम अब असल रंग में है। एक बच्ची ने आसाराम की गंदी नजरों ने भस्म हो जाने की बजाय उसके आध्यात्म की दुनिया को नंगा करने की हिम्मत दिखाई। आरोप है कि आसाराम के गुंडों जब कानून से हार गए तो आतंक के जोर पर उतर आए, लेकिन इस आतंक को विस्तार से क्या बताएं जब छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बच पाए आसाराम के लेजर टॉर्च से। को स्पेशल बुला के बोलते हैं कि मैं तो कृष्ण का अवतार हूं और आप सब गोपियों की अवतार हूं। इस लड़की कोई नई लड़की आई है तो उसको आसाराम ने अगर उनके पर 3 लाइट 4 लाइट फेंक दी तो एक कोड़बड़ होता था। फिर उसको वो जो दूसरी 25-30 जो उनकी एजेंट लड़कियां होती है जो आगे इस प्रकार का दुष्कर्म उनके पर हो चुका है, वो लड़कियां उसको फरसाने में लगती है कि उसको बार बार उसके मगज में डालते हैं कि अरे तो गोपी तू तो है, तेरा तो उद्धार हो गया, तेरा तो बस जन्म अब सफल हो गया, तेरे को अब समाधि का सुख मिलने वाला है, बस तू खाली एक बार बाबू के रूम में ध्यान करके आ जा। मेडिकल की आधुनिक पढ़ाई कर चुके डॉक्टरों ने जब आसाराम का चेकअप किया तो रिपोर्ट बिल्कुल फिट आई। जब रिपोर्ट बिल्कुल फिट है तो बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? क्या है इस दर्द का माजरा? क्या आसाराम बहाना बना रहे हैं? जीवन का आशीर्वाद बेचने वाले बाबा के शिष्य बाहर जिंदगी छीन लेने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है आतंक में डूबे चेले अपने गुरु को बचाने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और यहाँ इस आरोपी का खेल परत दर परत उधड़ता जा रहा है। उस बच्ची पर बुरी नजर तो कल तक आसाराम के लिए बवाल का विषय बन गया था, अब इस कहानी में बच्चों का नाम भी जुड़ गया है। आसाराम भले ही अंदर हैं, लेकिन बाहर उनकी लीला जारी है। अब आसाराम के आश्रमों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उसके पैरोल पर पलने वाले सेवादारों की स्वयं व्यक्ति अभी भी बोल रही है। आसाराम का नाच गाना, खेल तमाशा, उछल कूद और ढोल ताशा सब जोधपुर जेल के लॉकअप में बंद है, लेकिन यही भक्ति की खासियत होती है, लीलाधारी बंद हो जाए तो लंपटों की लीला बंद नहीं होनी चाहिए। न जाने आसाराम को वो कौन सी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ इलाज उनकी महिला वैद्य नीता के पास है। मेडिकल साइंस धोखा खा गई, डॉक्टर चकरा गए, लेकिन आसाराम कहते हैं कि उनका इलाज सिर्फ उनकी महिला वैद्य नीता के पास है। तभी तो अदालत से गुहार लगाकर आसाराम मांग रहे हैं खुद के लिए शुद्ध देसी इलाज। बापू, बापू मेरा पापा है, बापू, बापू मेरा पापा है।